हाय, मेरा नाम है संदीप सलवान और आज हम सीखेंगे नसरुद्दीन शाह साहब की मिमिक्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में विजिट करें voiceovermahak.com। तो उनका जो वॉइस टिम्बर है उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जो पहली चीज है वो आपको ये समझना है कि आपका जो ये जॉ और ये जो लिप्स है इसकी मदद से कैसे आपको बोलना है, आपको यही देखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नसीर साहब जब बोलते हैं तो उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे वो बहुत हर शब्द को ना पूरा स्ट्रेच करके बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे हैं, तो वो स्ट्रेच करते हैं वर्ड्स को। अगर कोई नॉर्मल बात करनी होती है तो वो ऐसे नहीं बोलते कि जैसे सिंपल बोल दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे हैं आप, अगर सिर्फ इतना ही बोलना हो तो नसीर साहब इसको कैसे बोलेंगे, कैसे हैं, तो उनका बड़ा अलग सा स्टाइल आएगा, कैसे, तो ये उनका स्टाइल है कैसे हैं आपको, उन्होंने कैसे लंबा करके बोला। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अब ये कैसे होगा, इसको कैसे अचीव किया जाए, तो आपको ना ये जो आपका चीक्स की जो लाइन है ये, या फिर ये थोड़ा सा राइट वाला पार्ट मतलब डिफिकल्ट हो जाता है करना, ये जो चीक्स है ना इनको मैंने स्ट्रेच करना है, ये इसकी मदद से ही आवाज निकल रही है। देखिए आपके सामने अभी देखिए कैसे होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कैसे मोड़ा है इसको, ये मोड़ा नहीं है मैंने एक्चुअली, ये इसको अंदर से खींचा है। थोड़ा सा आपको मुझे देख के ऐसा लग रहा होगा कि कैसे होगा, बट एक्चुअली में ये ऐसा ही हो रहा है, ये मैंने यहां से इसको खींचा है। ये देखिए राहुल साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मुझे जो सही लगता था मैंने वो किया और अभी वही करी। तो देखो, देख रहे हो आप, ये पूरा मोड़ दिया मैंने इसको, ये ऐसे, ये मैं उस वक्त से राठौर साहब को जानता हूँ जब से मैंने उनके साथ ग्रेजुएशन की है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये जो चीक्स, ये वाली जो बोन आ रही है ना, इसको खींचा है मैंने अंदर से, आपको बाहर से नजर नहीं आ रहा है बट एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ये खींचा है, यही की है इसके अंदर। अगर आपको ये करना आ गया तो समझ लो बाकी सब कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटा है, कमाल है एकदम कि ये ऐसे किया। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ और आप हैं कि सीख ही नहीं रहे, ऐसे चल रहा है बिल्कुल, मतलब खींच रहे हैं वर्ड्स को। मैं अगर आपके घर में कॉकरोच आ जाता तो आप क्या करते, मैंने भी वही किया है। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं आपके घर में चल के कॉफी पीऊं या चाय पीऊं तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे कॉफी बनानी आती है, मैं खुद बना के पी लूंगा। अब देखिए ये पूरा मैं इसको पूरा इसको खींच रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए मैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या आपको दोबारा बताऊं। और सेकंड आपको हिंट और देता हूं मैं, मिलते रहेंगे हिंट, देखना आप कि उनका एक स्टाइल आता है बीच में। जैसे हम कभी बात करते हैं ना, आप कैसे हैं, कमाल कैसे हो गया, आप आए नहीं कल, अगर ये जनरली हम किसी से बात करते हैं, हाँ कभी आए नहीं है? तो ऐसे अल्फाज मतलब ये स्टाइल उनका आता है। ये मैं ये थोड़ा आपको हो सकता है फनी लगे, बट यही एक तरीका है जिससे हम नसीर साहब की मिमिक्री को कर सकते हैं। आप प्लीज इसको ध्यान से समझिए, ये देखिए ये पूरा मैंने इसको ये क्लोज कर रखा पूरे, ये देखिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप इसको समझ सकते हैं। अभी आपने देखा मैंने कैसे हंसते हुए बोला। तो ये तीसरा जो वेरिएशन आ रहा है इसके, ये तीसरा वेरिएशन है। देखिए आप, मैं हंसते हंसते भी बोलते हैं बीच में वो। देखिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहने आया हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ चलिए, और नहीं अच्छा लगता तो मत चलिए। देखिए हर हर डायलॉग के अंदर, हर स्टाइल के अंदर शब्द खींच खींच के बोले जा रहे हैं।
जितना ज्यादा खींचेंगे, जितना ज्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे मसल्स का, उतना ही ज्यादा आएगा। बहुत ही हो सकता है आपको अभी एकदम से समझ में ना आए, लेकिन अगर आपने इसको अगर समझ लिया ना कि जो इस लिप्स के जरिए जो हो रहा है ना, ये अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप यूं कर जाएंगे, क्योंकि यही है और कुछ नहीं। अगर आप इसके बिना बोलते हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आप इसकी मदद से बोलते हैं, ये जो मसल्स होती हैं चीक्स के, ये जो चीक्स से और जो लिप्स से मिल रही है, यही कमाल कर रही है। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वो एक वेबसाइट है voiceovermahak.com, उसको विजिट करें, क्योंकि उसमें तरह तरह के अपडेट्स आएंगे कुछ दिनों में, आप अपना भी सैंपल छोड़ सकते हैं। तो अब बारी आई है डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस की। कोई भी बेस्ट सीन उठाइए, जैसे वो वेनसडे फिल्म का उनका एक सीन है, आप उसको देखते रहिए बार 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 बार, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बिना उन एक्सप्रेशंस के, बिना उनकी ऑब्जर्वेशन के आप एक दिन में मिमिक्री करने लग जाए, तो आपको ऑब्जर्वेशन में भी रहना पड़ेगा। तो उनके जो सीन है कई फिल्मों के अलग अलग, उनको आपको बार बार देखना पड़ेगा। और कोशिश करें कोई भी सीन उठा लीजिए, उसके डायलॉग्स आप पेपर में लिख लीजिए और उसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। और उसके बाद उस सीन को देखिए और आप ये देखिए, आपको पहले उसके डायलॉग्स याद होने चाहिए। पूरा सीन देख लीजिए 2 या 3 मिनट का, और उतने डायलॉग्स आप पेपर में नोट करें और उसको याद करें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखना, एक दिन ऐसा होगा कि आपको पूरा रट जाएंगे वो डायलॉग्स। और फिर नसीर साहब के जो सीन को देखिए और खुद साथ साथ बोलिए, और इन्हीं चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कीजिए जो मैंने आज आपको बताई है, कि ये जो लिप्स के साथ जो आपको यहाँ से, इसमें एक ही की फैक्टर है, ये लिप्स। अगर आपने ये जो लिप्स और चीक्स की जो मसल्स है, इसका इस्तेमाल करके अगर आपने उसको समझ लिया जैसे मैंने आपको बताया है, तो समझ लीजिए आपका आधा काम तो हो गया। और दूसरा जो मैंने दो स्टाइल बताए हैं, जो हंस हंस के बीच में बोलते थे मैं आपसे ये कहने आया हूँ, ये, और वो जो खींच खींच के बोलना है ये हो, मैं आपसे ये कहने आया हूँ, कितनी कमाल की बात है। एक आदमी आपको सिखाना चाह रहा है, आप प्रैक्टिस करिए तो सीख जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो भी करिए। तो जाइए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो दिल में आए कीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़, चलिए जाइए।